25 गांव की लगभग 50 से 60 हज़ार की जनसंख्या इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उपयोग करते हैं। चलिए हम जानते हैं यहाँ के स्टाफ से एवं समुदाय से इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के विषय में वह क्या कहते हैं। राम कुमार पारा सर, इसमें एक तो गद्दे पलंग भी कम है, पलंग भी बढ़ना चाहिए। मरीज यहाँ से जोरा मुरन ले आने पड़ते हैं, यहाँ यही व्यवस्था हो जाए तो डॉक्टर यहाँ आ जाएंगे या बढ़िया या कहाँ से दवाई वगैरह सब मिल जाए। दवाई भी नहीं यहाँ मिल पाती है। हाँ होता है। क्या परेशानी थी आपको? एक्सरे ना हो तो भाई। एक्सरे कहाँ पे करवाते हैं? एक्सरे तो जोरा मुरन नहीं होता, जोरा मुरन नहीं होता है ना। अगर यहाँ हॉस्पिटल में एक्सरे हो जाए तो आप लोगों को कितनी सहूलियत रहेगी? बहुत सहूलियत रही भाई, फिर तो आराम। खर्चा भाई 100 रुपया तो बाकी है यार किराए के मरने के, जोरे जाओ तो 100 होते हैं। ठीक है, बरसात में करंट फैलने का डर रहता है और हमारी बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर से हाई टेंशन लाइट गई है तो पेड़ों से भी टकराती है। पेड़ों डीपी तो हॉस्पिटल है तब से ही डीपी है। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे अभी इस समय लैब की सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि जो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है जो हमारे यहाँ वो अभी खाली है। बाकी और सुविधाएं, एक फार्मासिस्ट की भी कमी है, वो बाड़वे की भी कमी है जिससे हम लोगों को ड्रेसिंग के लिए परेशानी होती है। हमने लैब टेक्नीशियन के लिए काफ़ी कई बार डिमांड की गई है और तो अभी वो खाली है पोस्ट, लेकिन अभी लैब टेक्नीशियन नहीं है हमारे यहाँ। जो भी असुविधा होती है हम जाँच नहीं कर पाते हैं, जाँच के लिए हमें मुरैना ही भेजना पड़ता है। ये हम हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, नल चालू नहीं है, प्यासे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं। यहाँ पानी पीने के लिए हॉस्पिटल में और कोई व्यवस्था है? और कोई नहीं है, बस यही एक व्यवस्था है, वो भी चालू नहीं है। सूचना पटल की व्यवस्था नहीं है सर, जिससे ओपीडी का समय की फैसिलिटी करवा देंगे। और अग्निशमन की व्यवस्था भी नहीं है। एक तो आपने देखा एक्सरे, जी बस उसके लिए अपन को ज्वारा कभी कभी भेजना पड़ता है और एक ड्रेसर बस तो वो है, अपने पास स्ट्रेचर है। स्पेशल भी अगर उपलब्ध हो सके तो और बेटर रहे। एक तो क्या है कि पूरा स्टाफ नहीं है, दूसरी बात जैसे कोई नाइट में कोई केस आ जाए तो यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, मुरैना या ग्वालियर ही जाना पड़ेगा। अगर मान लो कोई नाइट में एक्सीडेंट वगैरह केस आ, कुछ भी आ जाए, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पे। ऐसे कोई बच्चा की समस्या हो तो वो भी यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब मरीज आए, मरीज सारे ज़्यादातर मुरैना या ग्वालियर ही जाते हैं। अब पूरी सुविधा तो नहीं, कछु नहीं है, बस ये कि थोड़ा बहुत स्टाफ आते है और चला जाता है। अच्छा, हॉस्पिटल कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? एक बजे से खुलेगा बस, 9 से 1 बजे तक। 9 बजे से 1 बजे तक खुलता है। आपको पता है हॉस्पिटल खुलने की टाइमिंग कितनी होती है? 4 तक ऐसा है। 4 बजे तक है। और स्टाफ कितने बजे चला जाता है? एक बजे के दवाई बच जाना मेरे साहब। कब से नहीं है सर ड्रेसर? ड्रेसर तो 3-4 साल हो गए। वैसे कोई भी मरीज आते हैं उनकी पट्टी उट्टी बनती है तो उनको फिर दूसरे स्टाफ से कराना पड़ता है। एम्बुलेंस की मांग तो की है परंतु एम्बुलेंस शासन नहीं कराएगा। तो ड्यूटी करते हैं, क्या उनके रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्था है? अगर बिल्डिंग हो तो और सुविधा रहे, विधायक जी को भी बताया। क्षेत्रीय तो अगर क्वार्टर्स होते हैं तो आदमी रुकने के लिए ज़्यादा इच्छुक होता है। कम हम 4-5 ही 3-4 ही बन जाए तो कम से कम कुछ लोग तो निवास करने ही लगेंगे। सर हमारी जानकारी के अनुसार यहाँ से जोरा भी डॉक्टर्स को भेज दिया जाता है ड्यूटी करने के लिए। हाँ, जोरा जाते हैं ना डॉक्टर्स ड्यूटी, वहाँ लगाते हैं। यहाँ पे पर डे डॉक्टर नहीं बैठ पाते होंगे सब दिन? नहीं, एक डॉक्टर को 24 घंटे की ड्यूटी के लिए जोरा जाना पड़ता है। अगर दोनों ही यहाँ पर रहें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। लैब की छत का प्लास्टर टूटा हुआ है जो कि टपकता रहता है। जो शौचालय है उस पर ताला डला हुआ है। डॉक्टर्स का कहना था कि जो बाहर से लोग आते हैं वे आके गंदा कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ताला डाल के रखना पड़ता है। और जो अंदर शौचालय है वह गंदा है और ठीक तरीके से उसकी साफ़ सफाई भी नहीं हो पाती है। बैठने के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं है, ये सिर्फ एक बेंच है।
जो कि उपयोग में ली जाती है। एक्सरे सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस नहीं है। एक डॉक्टर हैं जो कि 18 किलोमीटर दूर मुरैना से जाते हैं, और जो दूसरे डॉक्टर हैं वह 55 किलोमीटर ग्वालियर से वहां आते हैं। अग्निशमन आग बुझाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूं कि स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करें, जिससे सुमावली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्थाएँ खत्म हो सकें। मैं ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया, अनहल्ट के लिए।